हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ हिंदी भाषा में रस। जब हम है ना किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा देखते हैं, उसे ही हम रस कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा बनाना चाहें तो क्या परिभाषा बनाएंगे? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे काव्य में रस कहते हैं। और रस के बिना हमारा जीवन भी अधूरा होता है ना? तो हिंदी साहित्य में रस और रस के प्रकार और रस के अंग और रस के स्थायी भाव, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, रसों का राजा किसे कहते हैं? तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं। या फिर रसराज किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है? तो याद रखें, जब स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, रस के अंग कौन कौन से हैं? तो भाई, रस के तीन अंग हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के अंग कहलाते हैं। अब रस कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई, ये हमने लिस्ट बना के रखी हुई है। ये आपके रस हैं और ये इसके स्थायी भाव हैं। यदि आप इन स्थायी भाव को याद कर लेते हैं ना, तो आपको सभी रसों की परिभाषा आसानी से बन जाएगी, ये केवल स्थायी भाव याद करने पर। अब मैंने एक बनाई है कि सभी रसों की एक परिभाषा आप सबको भी मालूम है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। तो ये है आपकी सभी रसों की एक परिभाषा। सहृदय के हृदय में जब खालिस्तान नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहां पर खालिस्तान रस की व्यंजना प्राप्त होती है। तो ये आप देखिए जरा ध्यान से। तो आप यहाँ पे स्थायी भाव लिखें, यहाँ रस का नाम लिखें, यहाँ स्थायी भाव लिखें, यहाँ रस का नाम लिखें, और बाकी सेम टू सेम आपकी सभी रसों की बन जाएगी, कोई चेंज नहीं। जैसे मान के चलिए हमें श्रृंगार रस की परिभाषा बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो श्रृंगार का क्या होता है भाई? रति। तो आप यहाँ रति लिखें, यहाँ श्रृंगार लिखें। ठीक है, यदि हमें करुण की बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो यहाँ शोक लिखें, यहाँ करुण लिखें। यदि हमें रौद्र की बनानी है तो यहाँ क्रोध लिखें और यहाँ रौद्र लिखें। तो इस प्रकार से ये सभी रसों की परिभाषा बन जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके लिए प्रश्न आया, बी रस की परिभाषा लिखिए या बी रस को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए, सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहां पर धीर रस की व्यंजना प्राप्त होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है ना? चलिए, तो ये सभी रसों की एक परिभाषा होती है। अब इनके उदाहरण, तो उदाहरण के लिए हम आपके लिए मुखाग्र बोल रहे हैं, आप सुनते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन का रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के है ना दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में मिलन का भाव होता है और वियोग में विछोह यानी विरह का भाव होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें अपन है ना उदाहरण देखते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर टेक रही पलटारत नाही। तो ये किसका है भाई? श्रृंगार रस का उदाहरण। अब इसके बाद दूसरा देखिए, तो करुण, करुण का होता है स्थायी भाव शोक। अब इसका उदाहरण, हे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? हे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा आपका रौद्र रस। तो रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर्तलीवल मनले लगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है भाई? अद्भुत। तो अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। तो इसमें उदाहरण क्या करेंगे? तो याद रखिए,
सारी बिच्ची नारी है कि नारी बिच्ची सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ना। चलिए उसके बाद अगला, तो वीर का क्या होता है उत्साह, ठीक है। अब वीर रस का हमें करना है, तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भरकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जमानी थी, चमक उठी सनसन तावन की वो तलवार पुरानी थी, बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या फिर दूसरा उदाहरण और कर सकते हैं, चर्चे तक पे तलवार उठा करता था भूतल को पानी, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी, ठीक है। उसी के बाद भयानक रस, तो भयानक का क्या होता है भय, जहां अपन को डर लगे, और डर के लिए उदाहरण, एक और अजगर ही एक और मृग राय, बिकल बटेहू बीच ही परियो मूर्छा खाए। फिर से, एक और अजगर ही एक और मृग राय, बिकल बटेहू बीच ही परियो मूर्छा खाए, ठीक है। उसके बाद बीभत्स रस, बीभत्स का क्या होता है जुगुप्सा या फिर घिरना। तो अब यहाँ पे कैसे याद करेंगे, तो सुनिए, घर में लाशें बाहर लाशें, घर में लाशें बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, आंखें निसंस यह दृश्य देख, आंखें निसंस यह दृश्य देख, मुंद जाती घुटती हैं सांसें, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, तो शांत का क्या होता है निर्वेद। तो यहाँ पे ऐसे है ना, अपन उदाहरण पेश कर सकते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, जैसे तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, और दूसरा राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है वात्सल। वात्सल का स्थायी भाव क्या होता है, ममता या फिर स्नेह या फिर प्रेम या वत्सलता, है ना। तो इसमें ममता वाली चीज को हमें जिक्र करना है, तो सुनिए, ठीक है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है। या फिर दूसरा, उठो लाले अब आंखे खोलो, पानी लाई हूँ धोलो, बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भवरे झूले, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है हास, हास का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ठीक है। तो आप इसमें एग्जाम्पल क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, तो सुनिए, बंदर ने कहा बंदरिया से, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो दंगा, है ना। इसी के बाद दूसरा, फादर ने सिलवा दिए तीन कोट छः पैंट, फादर ने सिलवा दिए तीन कोट छः पैंट, और बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, है ना। एक और, मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, है ना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।